अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर किस्म के टेस्ट के लिए ये एमसीक्यूज काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज भी इसमें शामिल हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दूसरा वज़ीर आज़म कौन था? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है, ख्वाजा नज़ीमुद्दीन, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म थे। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन, डॉन न्यूज़पेपर के बानी कौन थे? चार नाम हैं, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कायदे आज़म इसके बानी थे। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन May 28, 1998। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ किए थे, यानी न्यूक्लियर तजर्बा कहाँ किया था? तो पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर तजर्बा चागी हिल्स यानी चागी की पहाड़ियों में किया था। क्वेश्चन फोर, जरदक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ देश, जरदक सबसे बुलंद तरीन चोटी हैं, लेकिन ये कौन सी रेंज की हैं? चार ऑप्शन हैं, इसका जो राइट आंसर है किरतर रेंज, किरतर रेंज की सबसे बुलंद तरीन चोटी जरदक, ये इसका राइट आंसर है किरतर रेंज, ऑप्शन सी। मीरानी डैम इज़ लोकेटेड इन देश, मीरानी डैम कहाँ वाक़ हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बलूचिस्तान, मीरानी डैम बलूचिस्तान में वाक़ हैं। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन देश, पाकिस्तान का मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, ये कब अमल में लाया गया था? तो ये 1973 में अमल में लाया गया था। क्वेश्चन सेवन, वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन देश, तहरीक आज़ादी जिसको कहते हैं, तो ये कब शुरू हुई थी, इसका आगाज़ कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन 1857 में इसका आगाज़ हुआ था। मेजर शबीर शरीफ वाज मर्टायर्ड इन विच पाक इंडो वार, मेजर शबीर शरीफ इंडिया पाकिस्तान की किस जंग में शहीद हुए थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1971 में मेजर शबीर शरीफ शहीद हुए थे। द बिगेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरिया इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस पाई जाती हैं किस मकाम पर पाई जाती हैं? चार ऑप्शन हैं, जिसका दुरुस्त जवाब है डी, सुई, सुई के मकाम पर सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन टेन, इन विच ईयर पाकिस्तान वॉन एशियन गेम्स हॉकी चैम्पियनशिप फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार पाकिस्तान ने एशियन गेम्स हॉकी चैम्पियनशिप कब जीती थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2010 में पाकिस्तान ने चैम्पियनशिप आखिरी दफ़ा जीता था। कामरा इज़ फेमस फॉर, कामरा किस लिहाज से मशहूर है? चार ऑप्शन हैं, टेलीफोन इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री या केमिकल्स इंडस्ट्री। तो कामरा मशहूर है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पर एयरक्राफ्ट की जो है इंडस्ट्री और उसकी मैकेनिज्म इंजीनियरिंग की जाती है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है सर आगा खान इसके पहले सदर थे। हु वाज द फर्स्ट टैक्स मुख्तसिब ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले जो टैक्स मुख्तसिब थे कौन थे? इसका जो दुरुस्त जवाब है जस्टिस रिटायर्ड सलीम अख्तर साहब इसके पहले मुख्तसिब थे। रिवर जेलम, नीलम एंड पूंछ आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये तीनों जो है दरियाओं के नाम हैं। तो ये पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ हैं, यानी ये किसी एक सूबे को ज़ाहिर करते हैं? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है ए, जे एंड के, यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों जो दरिया हैं ये कश्मीर में पाए जाते हैं, ये कश्मीर की पहचान है। विच सिटी ऑफ पंजाब इज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, आबादी के लिहाज से सबसे कम जो है परसेंटेज किसका है? तो इसका राइट जवाब राजनपुर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इनॉग्रेटेड बाय कायदे आज़म वाज, कौन सी सबसे पहले जो यूनिट थी इंडस्ट्रियल की जिसका इफ्तिताह कायदे आज़म ने किया था? तो इसका राइट जवाब ए है। पी पी सी स्टैंड्स फॉर, पी पी सी किस चीज़ का मुखफ़ है, किस चीज़ के एब्रिविएशन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पाकिस्तान पेनल कोड,
इसका दुरुस्त जवाब है। FIR इज़ एन एब्रिविएशन ऑफ, FIR किस चीज़ का एब्रिविएशन है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसका राइट आंसर है। विच माउंटेन रेंज इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, चार ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिमालय, हिमालय को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक्स चित्राल विद गिलगित, चित्राल को गिलगित से मिलाने वाली पास कौन सी है, इसका जो राइट आंसर है शंदूर पास इसे कहा जाता है, ये चित्राल को गिलगित से मिलाती है। द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज डैश, सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 75 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई है। पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द सिटी, पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ हैं, यानी इनका जो हेडक्वार्टर है किस सिटी में है, इसका दुरुस्त जवाब लाहौर है, लाहौर में पंजाब रेंजर्स का हेडक्वार्टर वाक़ हैं। पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 अंडर द कैप्टेंसी ऑफ डैश, पाकिस्तान ने 1992 का कप जीता था, तो उसकी कप्तानी कौन कर रहा था, यानी किसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, चार ऑप्शन हैं, इसका दुरुस्त जवाब इमरान खान है जो मौजूदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम इज़ नोन फॉर हिज अवार्ड ऑफ, ये अवार्ड गलती से लिखा है, ये अवार्ड है अवार्ड ऑफ डैश। डॉक्टर अब्दुल सलाम किस चीज़ के लिए मशहूर है, डॉक्टर अब्दुल सलाम अपने नोबल प्राइज़ के लिए मशहूर है। हु वाज द फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी, जमात इस्लामी के बानी कौन थे, इसका दुरुस्त जवाब सैयद अबुल आला मौदूदी ये के फाउंडर थे। पाकिस्तान नेशनल एनिमल इज़ डैश, पाकिस्तान कौमी जानवर कौन सा है, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है, और मारखोर पाकिस्तान के एक इदारे की भी निशानदही करता है, कौन सा इदारा है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश, पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है, इसका दुरुस्त जवाब इंग्लिश है, पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान इंग्लिश है। द बिगेस्ट एयरबेस ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस कहाँ वाक़ है, इसका दुरुस्त जवाब सरगोधा है, सरगोधा में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस वाक़ है। रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट बाय डैश, ये फोर्ट किस ने बनाया था, तो ये शेरशाह सूरी एक बड़ा फोर्ट है इसने बनाया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द 12th सार्क कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, सार्क की 12 जो 12th नशिस्त थी वो कहाँ वाकई थी, यानी कहाँ हुई थी, तो इसका दुरुस्त जवाब इस्लामाबाद है। नेशनल पुलिस अकेडमी इज़ लोकेटेड इन डैश, पाकिस्तान की जो नेशनल पुलिस अकेडमी है ये कहाँ वाकई है, इसका दुरुस्त जवाब सिहाला है, इस्लामाबाद में ये अकेडमी वाकई है। रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी स्टेशन वाज इनॉग्रेटेड इन डैश, रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी में कब इफ्तिताह हुआ था, इसका दुरुस्त जवाब सितंबर 1950 है। इन पाकिस्तान द डेली जंग वाज फर्स्ट अपीयर्ड फ्रॉम, जो डेली जंग न्यूज़पेपर हैं ये सबसे पहले कहाँ से पब्लिश होना शुरू हुआ था, तो इसका दुरुस्त जवाब कराची है, ऑप्शन डी। फर्स्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के पहले न्यूक्लियर साइंटिस्ट कौन थे, इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान इज डैश, पाकिस्तान की सबसे पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसका दुरुस्त जवाब यूनिवर्सिटी ऑफ UET जिसको कहा जाता है UET लाहौर, इसका दुरुस्त जवाब है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया, ये गलती इसलिए कहा है मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया, ये गलती है मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया है असल में। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे पहले मुसलमान बादशाह कौन थे, इसका दुरुस्त जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक थे। द बैटल ऑफ प्लासे वाज फाउट एंड, प्लासे एक बैटल थी, एक जंग हुई थी, ये कब हुई थी, इसका दुरुस्त जवाब
1757 में ये जंग हुई थी। आइडेंटिफाई द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स कौन थे, तीन ऑप्शन हैं, तो ये सारे खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान, कौन सा पास पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ जोड़ती है, इसका राइट आंसर बी है, खैबर पास। द कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज डेशो, गिलगित बल्तिस्तान की कैपिटल सिटी कौन सी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गिलगित है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ आईसीटी, आईसीटी यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इसका टोटल एरिया कितना है, इसका टोटल एरिया ऑप्शन सी 906 स्क्वायर किलोमीटर है। हु इनॉग्रेटेड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अफ्तिताह किसने किया था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अफ्तिताह कादरी आज़म ने किया था। इन विच ईयर द कश्मीरीज स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो ये सवाल में ये कहा गया है कि कश्मीरियों ने कब अपनी आज़ादी की तहरीक चलाना शुरू की थी डोगरा हुकूमत के खिलाफ, जब पाकिस्तान बनने से पहले, इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है, 1931 में कश्मीरियों ने इसका आगाज़ किया था अपने आज़ादी का। विच इज़ द सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया की छठी सबसे बड़ी जो कंट्री है कौन सी है, पाकिस्तान दुनिया की बड़ी कंट्री है, 6 नंबर। द मुस्लिम्स केम टू सिंध इन 712 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ, 712 AD में मुसलमान सिंध में आए, तो उस वक्त लीडरशिप कौन थे, उसकी क़यादत कौन कर रहे थे, यानी किसकी क़यादत में आए, मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में मुसलमान सिंध में आए। इन विच ईयर दी OIC फाउंडेड, OIC कब बनी थी, इसका दुरुस्त जवाब 69 है, 1969 ऑप्शन बी। दी कारगिल इंसिडेंट हैपेंड इन डेश, कारगिल का जो झड़प थी कब हुई थी, 1999 में हुई थी ऑप्शन बी। शकर पड़ियाँ इज सिचुएटेड इन डेश, इसका दुरुस्त जवाब इस्लामाबाद हैं, जहाँ PF का तैयारा गिरा था और एक अजीम पायलट भी, नुमान मेरे ख्याल में नाम था, वो भी शहीद हुए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, पाक फिजाइया का दिन किस दिन मनाया जाता है, तो 7 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। मीरपुर इज़ अ फेमस सिटी ऑफ, मीरपुर किस सूबे की मशहूर शहर है, तो ये आज़ाद कश्मीर का शहर है। और ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली मरतबा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।